हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो है प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा की जगह पर यूज होता है, संज्ञा की जगह के स्थान में काम आता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब राजेश इज अ बॉय। अब राजेश क्या है? नाउन है, संज्ञा है, और बॉय भी नाउन है। पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राजेश की जगह पर हम यूज कर रहे हैं ही इज अ बॉय। राजेश की जगह पर हमने क्या यूज किया? ही। वैसे ही रीटा इज अ लेडी, तो रीटा इज अ लेडी, रीटा की जगह हमने क्या यूज किया? शी इज अ लेडी, तो शी इज अ प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट। प्रोनाउन के तीन तरह के पुरुष होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। प्रथम पुरुष दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पुरुष दैट इज सेकंड पर्सन, दैट इज द पुरुष दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? जो व्यक्ति बोल रहा हो, जैसे मैं बोल रहा हूं आई, और अगर हम हैं तो वी, तो वो प्रथम पुरुष। जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो व्यक्ति जिसको हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन होगा। जैसे आप, तुम, यू आर सेकंड पर्सन। जिसके बारे में कहा जाए वो होता है तीसरा पर्सन, दैट इज थर्ड पर्सन। ओके, जैसे ही इज अ बॉय, मैं आपसे बात कर रहा हूं, यू आर सेकंड पर्सन, आई विल फर्स्ट पर्सन, और ही क्या होगा? थर्ड पर्सन। ओके, अब जैसे हम फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें फर्स्ट पर्सन मतलब मैंने समझाया आपको अभी, उसमें एक वचन में और बहुवचन में दो प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, और माय मतलब मेरी कोई वस्तु हो तो हम माय यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरे स्लाइड में आएगा। वैसे प्लूरल में वी मतलब हम, अस मतलब हमें, और अवर मतलब हमारा। ओके, जैसे अभी इसके बाद तो स्लाइड में क्या दिया हुआ है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई मतलब मैं, आई एम अ स्टूडेंट, दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो वो बोल रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। तीसरे पिक्चर में आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। चौथे में आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूं। तो आई का मतलब क्या होता है? मैं। नेक्स्ट है माई। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। दिस इज माई डॉल, ये मेरी गुड़िया है। तो हमारी कोई कोई चीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं? माई का यूज किया जाता है उसके अंदर। मी मतलब मुझे। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क लिख रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरी मदद कर रही है, माई मदर इज हेल्पिंग मी। ओके, अगर हम जैसे कोई सवाल पूछते हैं, कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो, तो मी मतलब क्या मेरे साथ आ सकते हो, मी। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम, वी, वी मतलब हम, और हम, अवर मतलब हमारा। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। दिस इज अवर ग्राउंड। अभी अवर का यूज इसमें कहाँ होता है? अवर मतलब हमारा, हमारी कोई चीज हो। अवर ग्राउंड इज बिग, हमारा ग्राउंड बड़ा है। अब जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अवर कंट्री, भारत हमारा देश है, तो अवर मतलब हमारा, कोई हमारी कोई चीज होती है या हमारा, तो उसमें अवर का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है अस। जैसे फादर इज वेटिंग फॉर अस, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा। माय सिस्टर एंड आई आर प्लेइंग इन द गार्डन, मैं और मेरी बहन गार्डन में खेल रहे हैं। मदर इज वॉचिंग अस, मदर हमें देख रही है। तो हमारी कोई चीज होती है तो हम अवर यूज करते हैं, बट हमें, हमें देख रहे हैं, तो क्या उन्होंने यूज किया? अस का यूज किया। ओके, अस, क्लियर। नेक्स्ट आता है सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन में एक वचन और बहुवचन में हम सेम ही लिखते हैं, यू और यूअर। अगर यू सिंगुलर हो तो भी हम यू यूज करते हैं, और प्लूरल हो तो भी यू यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। इज दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है। योर हाउस इज बिग, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अभी इसमें सेकेंड सेंटेंस, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यू ऑल आर राइटिंग नोट्स, आप सब नोट्स लिख रहे हो, तो इसमें ये सेंटेंस प्लूरल में यूज होता है। दीज आर योर पेन्स, वो तुम्हारी, ये तुम्हारी पेने हैं, तो यूर उसमें प्लूरल में बहुवचन में आया। दे आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो भी इसमें बहुवचन में यूर यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन,
सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन में ही लड़के के लिए यूज होता है, वह, शी लड़की के लिए, और इट नॉन लिविंग या जानवर के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं उसके लिए. जैसे ही हिज हिम, अभी ही हिज हिम में क्या डिफरेंस है? अब ही का मतलब होता है वह, जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है. अभी दिस इज हिज बुक, यह उसकी पुस्तक है. हम किसी की चीज के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं हिज बुक. दीज आर हिज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं. तो हिज मतलब क्या? एक पॉजेसिव में काम आता है. पॉजेसिव मतलब क्या? ये हमारी कोई चीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं? अगर उसकी हमारी मेरी चीज है तो माय, आपकी चीज है तो योर, दिस इज योर बुक. हमारी चीज है तो क्या यूज करते हैं? दिस इज अवर बुक. ओके, और इसमें क्या है? यह उस लड़के की पुस्तक है तो हमने क्या यूज किया? दिस इज हिज बुक. हिज ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, उसका भाई बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो हमने क्या यूज किया? उसका भाई, मतलब पॉजिटिव हुआ. ही इज नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. डॉक्टर हैज गिवन हिम मेडिसिन, उसको दवाई दी है. हिम, अब हिम में, हिम इसमें किस यूज में आया? हिम आया उसको दवाई दी है. ओके, जैसे मैं दूसरे सेंटेंस बोल सकता हूं कि आई टोल्ड हिम नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैंने उसको बोला कि क्रिकेट मत खेलो, मत खेलो. आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला. ओके, ठीक है. फिर आता है शी, हर और हर. अब जैसे पहले में क्या था? ही, हिज और हिम, तीनों अलग थे, बट इसमें हर और हर दोनों वर्ड सेम है बट मीनिंग अलग अलग जगह पर यूज होती है. कैसे बताता हूं मैं आपको भी. जैसे शी इज अ नर्स, वह एक नर्स है. शी वर्क्स इन हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है. शी टेक्स केयर ऑफ हर पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती है. तो इसमें पॉजिटिव हर, इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में आता है. हर नेचर इज वेरी नाइस, उसका नेचर बहुत अच्छा है. कभी देखिए, पहले दूसरे सेंटेंस में शी टेक्स टेक केयर ऑफ हर पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रखती है, मींस अपने, मतलब हमने कहा जैसे पता है पॉजिटिव, और उसका नेचर बहुत अच्छा है. उसका नेचर, हर नेचर इज वेरी नाइस. ओके, जैसे मिस रीटा इज वेरी नाइस, मिस रीटा बहुत अच्छी है. ऑल द ऑल चिल्ड्रन लाइक हर, सभी बच्चे उनको पसंद करते हैं. आई वेंट विथ हर टू द मार्केट, मैं उनके साथ मार्केट गया था. इसमें हर अभी उनके साथ, उसके साथ मार्केट गया था. ओके, दिस इज हर बुक्स, अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में काम आता है. दिस इज हर बुक्स, ये उसकी किताबें हैं. माना किसी की चीज हो तो हम हर का यूज कर सकते हैं, और इसमें हर दूसरे तरीके से भी काम में आ सकता है. हर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका घर बहुत सुंदर है. ठीक है, तो हर को किस तरह से यूज करने का वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. फिर दे, देयर, देम, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये प्लूरल मतलब बहुवचन में काम आता है. अभी दे का मतलब क्या? वे सब. द चिल्ड्रन स्पीक मैनी लैंग्वेज, बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं. दे आर वेरी क्लेवर, वो लोग बहुत वे होशियार हैं. वे मतलब एक के लिए, बहुत लोगों के लिए कहें तो दे का यूज होता है. दीज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जो कारें हैं बहुत महंगी हैं. दे वर मेड इन जर्मनी, उनको जर्मनी में बनाया गया था. ओके, द चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर लंच, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उसकी किताबें हैं, दिस इज हिज बुक, ये उस लड़की की किताबें हैं तो हमने क्या यूज किया? दिस इज हर बुक. वैसे चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर लंच, बच्चे अब उनका लंच कर रहे हैं. अब इसमें जैसे बुक्स के केस में क्या है? दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी किताबें हैं. मीन देयर का यूज कब होता है? ये किसी की चीज, किसी और की चीज हो, बहुत सारे लोग हैं उनकी चीज हो, तो हम देयर का यूज करते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन. ओके, इट इज देयर हाउस, ये उनका घर है. द चिल्ड्रन आर रीडिंग देयर बुक्स, बच्चे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, वे फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, मैदान के ऊपर. ओके, फिर आता है देम, उन्हें. वी विल टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी देखभाल करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे. इसमें कोई वस्तु के लिए नहीं बताया गया है कि उसकी उनकी कोई चीज है, इसलिए देम का यूज किया है, क्योंकि बहुत सारे, इसलिए देम. आई इन्वाइटेड देम टू द पार्टी, मैंने उन्हें या उनको इन्वाइट किया पार्टी में.
देम मतलब बहुत लोगों को इनवाइट किया, एक को नहीं. ओके, अगर किसी लड़के को इनवाइट करे तो हम क्या लिखेंगे, आई इनवाइटेड हिम टू द पार्टी. अगर मैं किसी लड़की को इनवाइट करता हूं तो मैं लिखूंगा आई इनवाइटेड हर टू द पार्टी. वैसे ही मैंने उनको इनवाइट किया तो मैं क्या लिखूंगा, आई इनवाइटेड देम टू द पार्टी. वी एडवाइज देम टू स्टार्ट अर्ली, हमने उनको सलाह दी जल्दी शुरू कीजिए. बर्ड्स, बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, बच्चे पक्षी उड़ नहीं सकते. मदर बर्ड्स हैज टू फीड देम, मदर बर्ड को उनको खिलाना पड़ता है उनको. ठीक है, तो यहाँ पे देम का मतलब इस तरह से आता है. उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है. अब एक्सरसाइज में क्या है, पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. उसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर एक्सरसाइज वन में, आई वी यू जब भी ऑप्शन दिए उसमें से कोई भी एक आपको समझ के करना है. आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. इसमें आपको सेंटेंस अगर आप लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. जैसे जॉन एंड आई आर ब्रदर्स, अभी जॉन एंड आई हम भाई हैं, हम शेयर करते हैं बुक्स टुगेदर, तो इसमें हम आएगा वी. ठीक है, इस तरह से. दूसरे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, दूसरे एक्सरसाइज में दिया हुआ है फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पॉजिटिव प्रोनाउन. जैसे मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन बताया था आपको, अगर आई के साथ क्या यूज होगा, माई. ओके, ध्यान से सुनिएगा, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, और दे के साथ देयर. ओके, जैसे सेकंड सेंटेंस लिखा होगा इज दिस डैश कार, तो यू के साथ क्या आएगा, योर. तो एक्सरसाइज टू में इस तरह से आपको ध्यान से करना है. फिर आता है एक्सरसाइज थ्री. एक्सरसाइज थ्री को कैसे करना है, आपको ये पैसेज दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मिसिंग है. ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, अगर मैं बोलूं ही शी इट, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जो मैंने बताया था, मी यू देम ओके हिम हर, वो सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं. ठीक है, अब उसके लिए आपको दूसरा इसी का ही ट्रांसलेशन, आपको हिंट के लिए दूसरे स्लाइड में ट्रांसलेशन दिया गया है इसी का ही. आप पहले ये सेंटेंस, ये से पैसेज पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसके बाद इसका ट्रांसलेशन ध्यान से पढ़िए और फिर उसको भरिए, तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा. हिंट फॉर एक्सरसाइज थ्री आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है. नेक्स्ट उसमें एक बार एक्सरसाइज फोर क्या बताया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन. अब इसमें क्या दिया, आपको प्रोनाउन ही भरना है, लेकिन आपको आपको हिंट मैंने कैसे दी है, आपको सेंटेंसेस दिए गए उसके नीचे उसका हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ है. इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को लिखेंगे, और हिंदी में आपको अनुवाद पता पड़ेगा कि हिंदी में इसको कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, एक्सरसाइज फोर में इस तरह से आपको सेंटेंस दिए गए हैं. जैसे जॉन एंड पीटर आर ब्रदर्स, मैं एक बार बता देता हूँ एक आपको, जॉन एंड पीटर पीटर आर ब्रदर्स डैश नो डैश वेरी वेल. ठीक है, अब हिंदी पढ़ी ध्यान से, जॉन और पीटर भाई हैं, वो तो लिखा हुआ है. मैं उन्हें अच्छी तरह जहां से जानता हूं, मैं मतलब आई, तो आई नो उन्हें, क्योंकि दो लोग हैं तो क्या होगा, आई नो देम वेरी वेल. तो इस तरह से आपको हिंदी पढ़ते हुए आगे भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है. के बाद आता है एक्सरसाइज फाइव. एक्सरसाइज फाइव में भी आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है. पर्सनल प्रोनाउन में आपको ये एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है, किसी लड़के के बारे में लिखा हुआ है. इससे आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा अगर आप समझ के ध्यान से इसको पढ़ के फॉलो करेंगे तो. और इसके बाद इमिडिएटली इसका हिंट भी दिया गया है हिंदी में, उसके नेक्स्ट इमिडिएटली इसके एनिमेशन के बाद. तो आप उसको पहले आप पैराग्राफ को नोटबुक में लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक के साथ,
फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो इससे क्या आपको आपको आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। एक्सरसाइज फाइव का ट्रांसलेशन आपको हिंदी में दिया गया है, ठीक है? ओके, उसके बाद आता है एक्सरसाइज सिक्स। एक्सरसाइज सिक्स में क्या होता है, अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में क्या होता है, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, आप कैसे बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज सिक्स में क्या दिया हुआ है, आपको कन्वर्सेशन दिया गया है। जैसे मैं पूरा पढ़ लेता हूं, राज, ओके, हेलो, डैश, एम राज, सैम फ्रेंड्स, कुड डैश स्पीक टू डैश प्लीज, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, मदर आई एम सॉरी, डैश इज नॉट एट होम, कैन डैश टेक योर मैसेज। अब वापस से मैंने आपके इजी के लिए इसका ट्रांसलेशन दिया गया है, राज नमस्ते, मैं राज सैम का दोस्त हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ कृपया। तो आप नेक्स्ट से पहले सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ, हेलो आई एम राज सैम्स फ्रेंड, कुड आई स्पीक टू हिम प्लीज। तो इससे आपको आसानी होगी समझने में, और इसका आंसर इमिडिएटली हिंदी के बाद आपको इसका आंसर भी दिया गया है, तो आप इसमें से आंसर भी देख सकते हैं। सेवन में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रॉपर नाउन। ये आपको एक्सेस दिया कि जैसे माय नेम इज पीटर डैश आई एम 15 इयर्स ओल्ड, तो एम कब आता है, आई आई एम, तो माय नेम इज पीटर आई एम 15 इयर्स ओल्ड। तो इस प्रोनाउन मैंने आपको एक्सरसाइज काफी अच्छी दी गई है, तो आप इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ के आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको प्रोनाउन तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, प्लस आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, मेन आपका स्पोकन भी इंप्रूव होगा और ग्रामर का भी इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, क्यों? और आफ्टर दिस अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।